ये कब खुला है पूरा? क्या है जब है बिल्लू को बिल्लू वाला का तंस इस बार शांत हो गया है ना? शांत का हो गया, पहले क्या चक्कर रहता था मैं? हाँ, मौदा की डबल रोटी। अब तो मैं बताना है कि ये जो मेरा कुर्ता है, इसे मुझे इन दुपट्टों में से कौन सा दुपट्टा ओढ़ना है? मेरी बात मानोगे तो बताऊंगा। हाँ। कोई सा भी ओढ़ लो। नहीं, ये तो प्लाजो है। यही वाला जाएगा ये? माशाल्लाह माशाल्लाह, काम तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम, सबक जाम है आपके सारे? बिल्कुल भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर, YT फैन पेज पर। तो आप सब ने देखा होगा कि खालिद इस व्लॉग में, सबा के इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा चुप चुप है, बहुत ज़्यादा उदास है। पता नहीं क्या बात है, सबा भी बार बार पूछ रही है कि क्या हुआ है, तुम क्यों इतने उदास हो, पर वो बताने को तैयार नहीं है, बस हंसी खुशी सबा की बातें मानते चलते हैं। अब हम जानेंगे आगे कि आखिर खालिद की इस मायूसी का क्या राज है, किस वजह से वो इतना उदास है और क्यों इतना चुप चुप है। तो प्लीज़ देखते रहिए। एंड अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड ऑल्सो कॉमेंट। प्लीज़ कॉमेंट कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सब तो ये जानते होंगे कि खालिद नियाज की सबा से शादी होने से पहले वो एकदम आम इंसान थे, अपनी आम तरह से ज़िंदगी जीते थे। लेकिन अब वो जो सबा के साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ उनकी शादी हो चुकी है, तो वो सोशल मीडिया का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। जो सबा को चाहते हैं, जो सबा से प्यार करते हैं, वो रोज़ सबा और खालिद को साथ में हमेशा देखते हैं। इसी तरह से सबा और खालिद का जो मिलन है वो हमेशा YouTube फैमिली के साथ में भी होता रहता है। जब खालिद नियाज सबा के साथ हमेशा होते हैं तो उनको ज़रा भी वक्त नहीं मिलता सोशल मीडिया चेक करने का, उनकी वीडियोस देखने का। हालांकि वो हमेशा उनका कैमरा होल्ड करके उनकी वीडियो रिकॉर्ड्स करते हैं और हमेशा सबा के साथ में ही बिज़ी होते हैं। लेकिन जब अब खालिद नियाज ने सबा को यहाँ छोड़ दिया था और वो मौदहा चले गए थे कुछ दिनों के लिए, तो उन्होंने शायद ये ऑब्जर्व किया है कि यूट्यूब के फैमिली ने उनके बारे में वो क्या बात करती है, वो क्या सोचती है कि खालिद जो है काम नहीं करते, और यूट्यूब के फैमिली उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा गॉसिप करती है कि सबा की वजह से खालिद जो है बहुत ज़्यादा आम, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। यही बातें जो है खालिद नियाज को अकेले में, इन्होंने ये जब सब बातें उनके जहन में आई है और अब जब वो सबा के ब्लॉग में आए हैं तो उन्हें ये एहसास हुआ है कि मैं सिर्फ सबा की वजह से यूट्यूब पर फेमस हुआ हूँ और बस, और कुछ नहीं है बस समझो, और उनके पास कोई काम नहीं है बस, इसीलिए एक आम आदमी थोड़ा सा घबरा गया है। और यही वजह हो सकती है शायद से, क्योंकि हम भी एक आम आदमी हैं और हम भी बहुत ज़्यादा ऐसा सोचेंगे कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है और इनकी वजह से हम फेमस हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, खालिद नियाज जो है बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे शौहर हैं, बहुत ही अच्छे जमाई हैं, वो सबके साथ अच्छे से पेश आते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी है। तो और यहाँ पर सबा बता रही है कि उन्होंने बेटी खालों को एक लोकल मार्केट से जो है ड्रेस दिलाई थी लोखंडवाला से, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और उनका ये फिटिंग है जो हमेशा वो पहनती है लूज़ एकदम। और अम्मी जो है आइसक्रीम खा रही है। अब यहाँ खालिद और सबा थोड़ी बहुत सी हंसी मजाक करते हुए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसी तरह अब इन्होंने फास्ट सर्विस से कपड़े भी चेंज कर लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंडिंग नहीं रह पाए थे हमेशा की तरह, क्योंकि कल लेट आए थे, थक गए थे। अभी हम निकल रहे हैं कहीं और, दूसरा व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो बस आपसे ये कहना, रेस्टोरेंट से रुखसती ले ली है और शोएब एक अच्छे बेटे होने का पूरा फर्ज अदा कर रहे हैं, अपनी गाड़ी में सबको अच्छे से एडजस्ट करते हैं। और सब यहाँ पर अपना आउटफिट बताते हुए अब सब लोग अपने घर पहुँच चुके हैं, सुकून से बैठ चुके हैं और सब अपना व्लॉग एंड करने लगी है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। फोटोशूट भी था ब्राइडल वाला, बार बार मिलने का मौका मिलता है। तीसरी बार हाँ, लोग ऐसे प्यार करते रहो, प्यार देते रहो, 3 हो गए, 4 हो जाएंगे।